तो कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ कि यार सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। सो गाइस यार एक और वीडियो, हाउ टू रिकवर फेसबुक अकाउंट जो फेसबुक वालों ने करा है डिसेबल। सो गाइस सही जगह पे आए हो, दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में कि यार जो फेसबुक का अकाउंट है जो डिसेबल कर दिया है फेसबुक वालों ने, आप उसको सक्सेसफुली रिकवर यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो। बिल्कुल एक नया तरीका दिखाने वाला हूँ, एक फ्रेश तरीका दिखाने वाला हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो फेसबुक का अकाउंट है उसको आप सक्सेसफुली रिकवर कर सकते हो। कंडीशन ये की है, वीडियो को नहीं जाना है छोड़ के। तो बात है कि मैंने बहुत सारी, तो फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई की छोटी सी बिंदी, आए हो चैनल पर ना तो प्लीज यार भाई को भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना। सो गाइस यार बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि यार टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं आता है, तो बिल्कुल आज से ना टेलीग्राम पर रिप्लाई आ जाएगा। बिल्कुल जो भी आपका, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मिल बैठ के वहां पर सॉल्व करेंगे, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी यहां पर हेल्प कर दूंगा। तो जो टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। जब भी मैं वहां कोई वीडियो पोस्ट करूंगा, मैं तो यार रोज वहां पे वीडियो पोस्ट करता हूं, तो जो भी मैं वहां पे वीडियो पोस्ट करूंगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आपको हेल्प चाहिए, तो वहां पर आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है हम भाई वहां पर मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर आ जाते हैं, जो आपका फेसबुक का अकाउंट है जो डिसेबल है, आप उसको यहां पर रिकवर कैसे कर सकते हो। तरीका बिल्कुल नया है तो वीडियो पूरा देखना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ क्रोम ब्राउज़र में। तो अगर आप कोई और ब्राउज़र भी यूज़ करते हो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना होगा अपील, फिर लिखना होगा डिसेबल्ड, फिर लिखना होगा प्रोफाइल। अपील डिसेबल्ड प्रोफाइल आपको कहाँ पर लिखना है, सर्च बार में। फिर आपको सिंपली स्टार्ट के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आ जाना इस वाले पेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हो अपील, ये है अपील, प्रोफाइल, फिर है डिसेबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पर करेंगे क्लिक, इस पर करेंगे टैब। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिंक है ये है facebook.com। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेल्प सेंटर की, ये एक नई लिंक है जो फेसबुक का जो नया हेल्प सेंटर है वहाँ से ये रिलीज़ हुई है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर टैप कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन यूज़ यूर एबिलिटी टू यूज़ यहाँ पर फेसबुक। तो ऊपर आप देख सकते हो ये है, ये जो फॉर्म है अपील प्रोफाइल डिस एबल, जो आपका जो अकाउंट है जो डिसेबल है, तो यहाँ पे ये फॉर्म आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे सेंड होगा नहीं, जो अपील है वो सेंड होगी नहीं है फेसबुक तक। तो उसको आपको क्या करना है वर्किंग में बनाने के लिए, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने पूरा बता दिया है, तो मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा, इसको लाना है यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ गए हैं डेस्कटॉप साइट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है बिल्कुल यहाँ पे वर्किंग मोड में आ गया है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डिसेबल जो आपका ईमेल है फेसबुक का वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपको फिर सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर चूज़ फाइल करना होगा, आपको अपनी आईडी यहाँ पर चूज़ करनी होगी। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो चूज़ फाइल भी यहाँ पे हो गया। तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, तो सारा कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हो फर्दर आपको यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे जो भी आपको वहाँ पे जो भी आपको वहाँ पे मैसेज आ रही है फेसबुक की ओर से, आपका जो फेसबुक का अकाउंट डिसेबल है, आप उसको सारा को कॉपी कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ बिल्कुल नीचे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये सारा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये देख सकते हो ये सेंड का जो आइकन यहाँ से बना हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे फॉर्म है ऊपर आप देख सकते हो ये अपील प्रोफाइल डिसेबल का फॉर्म। तो उसके बाद सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे जो सेंड का जो आइकन आप देख रहे हो छोटा सा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मैसेज आ जाएगी फेसबुक की ओर से, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग फेसबुक, यू शुड रिसीव एन ईमेल रिस्पॉन्स शॉर्टली। ये जो लिंक है बिल्कुल नई है, तो मैंने इस पर पहले नहीं बनाया है वीडियो इस लिंक पे, तो आप इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। होप इन पर आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो यहाँ जल्दी से यहाँ पर रिकवर हो जाए। तो मेरी कुछ हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ के रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो।